वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल है? आज मैं जो रेसिपी आपसे शेयर करने जा रही हूँ वो है स्पॉन्ज केक। मैं आपको स्पॉन्ज बनाना सिखाऊंगी। ख़ास तौर पर ये रेसिपी उनके लिए है जिन्हें केक बनाना मुश्किल लगता है या केक बनाना नहीं आता या जिनका केक सही से फ्लफ़ी नहीं होता, दरमियान से बैठ जाता है। तो मैं आपको इंतहाई आसान तरीके से केक बनाना सिखाऊंगी, इस तरीके से जिसको केक नहीं आता बनाना वो भी बना सकेगा। इसमें आप जो मेजरमेंट करेंगे, घर में कोई भी कप हो, रकाबी हो, जो भी बर्तन आप मेजरमेंट के लिए लेना चाहें। अब जैसा कि मेरे पास हैं जो इंग्रेडिएंट हैं, मैं पहले वो बता दूं। 8 अदद अंडे हैं मेरे पास जो मैंने पहले ही बाउल में डाल लिए हैं। मैदा 2 कप, पिसी हुई चीनी 2 कप। मैदा और चीनी की जो क्वांटिटी है हमने बराबर रखनी है। 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 कप ऑयल। ऑयल आप कोई सा भी यूज़ कर सकती हैं। अगर आपके पास बटर हो तो आप 200 ग्राम बटर लेंगी। वनीला एसेंस 3 से 4 ड्रॉप। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम ये बेसन, बेकिंग पाउडर, मैदा ये साइड पर करते हैं। इसमें पहले हम अंडों को बीट करेंगे। अंडों को हम इतना 1-2 मिनट बीट करेंगे, फिर साथ साथ हम पिसी हुई चीनी मिक्स करते जाएंगे और इसे बीट करते जाएंगे। सारी चीनी मिक्स करने के बाद हम इसे इतनी देर तक बीट करेंगे कि जो हमारा बैटर है वो बेहद स्मूथ शेप में आ जाए। तो चलिए हम बीट करते हैं। ये तकरीबन 15 से 20 मिनट बीट होगा। आप इस दौरान रेस्ट भी मशीन को दे सकती हैं। जो एग बीटर है इसे आप रेस्ट देना चाहें तो दे सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम थोड़ी थोड़ी करके इसमें चीनी ऐड करते जाएंगे, बीट करते जाएंगे। इसे बीट करते जाएंगे, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि इसका जो हमारा जो बैटर है वो कितना स्मूथ बना है। ये जितनी क्वांटिटी अब इसकी नज़र आ रही है ये फूल कर डबल हो जाएगा इतनी देर हम इसे बीट करेंगे। पाँच मिनट हमने बीट किया है तो इस शेप में आया है। अभी हम 5 मिनट और बीट करते हैं, फिर आपको इसकी शक्ल दिखाते हैं। दस मिनट हो चुके हैं हमें बीट करते हुए, तो देखें ये डबल हो गया है। अब हम इसे 5 मिनट मज़ीद बीट करेंगे और साथ साथ हम ये ऑयल डालते जाएंगे।
मिनट हो गए हैं बैटर को बीट करते हुए। अब हम इसमें वनीला एसेंस डालेंगे और मज़ीद 5 मिनट इसे बीट करेंगे। 5 टोटल ये 20 मिनट तक बीट होगा। 3 से 4 ड्रॉप हम इसमें वनीला एसेंस डालेंगे और बीट करेंगे। हमें 20 मिनट हो चुके हैं इसे बीट करते हुए। देखें ये डबल से भी ज़्यादा फ्लफ़ी हो चुका है और कितना ये क्रीमी शेप में आ चुका है। बहुत ही स्मूथ सा ये बैटर तैयार हो चुका है अंडे और चीनी का। इसमें अब हम डाल चुके हैं अंडे, चीनी, वनीला एसेंस और ऑयल। अब हम इसमें ये हम ऐसे रख देंगे, अभी इसका और काम बाकी है थोड़ा सा। अब हम मैदा लेंगे और 1 टेबल स्पून जो बेकिंग पाउडर था वो इसमें ऐड कर देंगे और इसे छान लेंगे। मिक्स कर लिया है, अब हम इसे छान लेते हैं। ये डायरेक्ट हम बैटर में भी छान सकते हैं, लेकिन मैं अलग से छान रही हूँ और बाद में थोड़ा थोड़ा करके मैदा बैटर में ऐड करती जाऊँगी और स्पैचुला से मिक्स करती जाऊँगी, फोल्ड करती जाऊँगी इसे। इसका जो कलर है देखें, पहले येलो था, अब ये क्रीम कलर में आ चुका है और ये कितना फ्लफ़ी हो चुका है, कितना स्मूथ बैटर रेडी हो चुका है। अब हम इसमें ये जो हमारा मैदा है ये हम छान चुके हैं, मैदा और बेकिंग पाउडर मिक्स हमने छान लिया है। अब हम इसमें ऐसे करके 2 टेबल स्पून यानी कि थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें ऐड करेंगे और बहुत आहिस्तगी से इसे फोल्ड करेंगे ऐसे करके। देखें उसकी स्मूथनेस, और मैदा ऐड करेंगे थोड़ा थोड़ा करके, हम सारा मैदा इसमें ऐड कर लेंगे। फोल्ड करेंगे, सारा मैदा हमने इसमें डाल दिया है, फोल्ड करेंगे। इसमें फोल्डिंग के बाद गुठलियाँ सी अगर रह जाएं तो आपने दोबारा इसे बीट करना है। ये देखें व्यूवर्स, फोल्डिंग के बाद इसमें ये ऐसे गुठलियाँ अगर रह जाएं तो आपने इसे, कोई मसला नहीं है, आप इसे दोबारा से बीट कर सकते हैं। इसमें गुठलियाँ बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ये बहुत ही स्मूथ बैटर तैयार होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट में इसकी जो गुठलियाँ है बीट करने से ख़त्म हो जाती हैं। ये देखें हम इसे थोड़ा सा, आप चेक कर लें,
अगर गुठली नज़र आए तो आप दोबारा से इसे बीट कर सकते हैं। अब ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब ये जो हमारा मोल्ड है, मैं डिश में बना रही हूँ, आप चाहें तो चकोर ले लें, गोल ले लें, कोई मसला नहीं है। पहले हमने इसे ऑयल पे ऑयल कोट किया था, फिर हमने इसमें ये देखें बटर पेपर लगा दिया है। बटर पेपर लगा के हमने दोबारा से ऊपर ऑयल कोट कर दिया है। अब हम इसमें जो हमारा बैटर है वो ऐड करेंगे। अब हम अपना बैटर इसमें डालेंगे। हमने मोल्ड में केक को डाल लिया है। ये देखें ये जो ऊपर इसके ये बने हुए हैं बबल्स, हम इसे 2-3 बार ऐसे टैप करेंगे। ये देखें ये ख़त्म हो रहे हैं। जब ये ख़त्म हो जाएं तो फिर आपने इसे बेकिंग के लिए रख देना है। ये देखें जो बबल्स हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। अब हम इसे बेकिंग के लिए रखेंगे। ये टोटल 20 मिनट लेगा बेक होने में। जो हमारा जो केक है वो बेकिंग के लिए जा चुका है और हमने इसे 280 पे प्री हीट किया था। केक ने बेक होने में 25 मिनट लिए हैं। अब हम चेक करते हैं कि ये रेडी हो चुका है या नहीं। ये देखें ये बिल्कुल साफ आई है, तो इसका मतलब है कि हमारा केक मुकम्मल बेक हो चुका है। अब हम इसे बाहर निकालते हैं। जी डियर व्यूवर्स, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा केक बिल्कुल बैलेंस में फ्लफ़ी हुआ है, फूल कर फटा है। अब हम इसे थोड़ी देर ठंडा होने देंगे और फिर नाइफ़ के साथ इसके किनारों को छुड़वा लेंगे ऐसे करके। जी अब हम केक को इसमें से निकाल लेंगे। ये देखें ये ज़रा सा भी जला नहीं है। अब इसके ऊपर से हम बटर पेपर को रिमूव करेंगे। बहुत प्यार से आपने बटर पेपर को उतारना है। अब हम इसे सीधा करेंगे। जी अगर आप चाहें तो इसे ऊपर से रिमूव कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं करेंगे क्योंकि हमारा केक बहुत सॉफ्ट है, किनारे भी सॉफ्ट है। अब हम आपको काट के दिखाते हैं। ये देखें हमारा केक कितना सॉफ्ट बना है। ये देखें ये इतना टेस्टी बना है कि मेरे तो मुंह में पानी आ गया और मेरा दिल कर रहा है मैं वीडियो बाद में बनाऊं और केक को पहले खाऊं। ये आप देख सकते हैं इसकी सॉफ्टनेस। जी आप ज़रूर घर में बनाइए, यकीन करें ये इतना टेस्टी, इतना सॉफ्ट बनता है कि दिल करता है कि बस खाते ही जाएं। ये वो टिप्स है जो मैंने आपको केक बनाने में बताई है, तो आप ज़रूर घर में ट्राई करें। आप मुझे दुआएं देंगे कि मैंने आपको इतना अच्छा केक स्पॉन्ज तैयार करना सिखाया है। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा नाज़रीन, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।
प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिए और अपना बहुत ख्याल रखिए और मेरी सारी रेसिपीज़ को आप ट्राई करें और आप इंजॉय करेंगे, सबको पसंद आएगा, आप सबका दिल जीत लेंगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।